नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और विधानसभा की रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। तीनों सीटों में से मैनपुरी लोकसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि इस सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। यूपी में उपचुनाव का रण, मैनपुरी लोकसभा सीट पर छिड़ी जंग, सपा भाजपा के बीच है कड़ी टक्कर, बहु बनाम शीर्ष में है कड़ा मुकाबला, मुलायम के शीर्ष रहे हैं रघुराज शाक्य। बहु डिंपल लगा पाएंगी क्या सपा का बेड़ा पार? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मैनपुरी लोकसभा सीट और विधानसभा की रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव होने हैं। तीनों सीटों में से मैनपुरी लोकसभा सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि सीट पर सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी और दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। और इसी बीच सपा स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। बता दें कि इस लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव, जया बच्चन सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं। गौरतलब है कि मैनपुरी में बीजेपी ने रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। बताया जाता है कि रघुराज शाक्य दिवंगत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शिष्यों में से एक हैं और शिवपाल यादव के बेहद करीबी भी रहे हैं। रघुराज शाक्य खुद को मुलायमवादी भी बताते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मैनपुरी सीट की लड़ाई बहु बनाम शिष्य की होने वाली है। तो वहीं रघुराज शाक्य राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। दरअसल बीजेपी पहले से ही मैनपुरी में शाक्य चेहरा लड़ाती रही है, लेकिन इस बार की बात अलग है। बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, क्योंकि सपा में रह चुके रघुराज शाक्य को उन्होंने मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी से दो बार सांसद भी रह चुके हैं और शिवपाल सिंह यादव के करीबी होने के साथ ही रघुराज प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। फिर 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले रघुराज शाक्य ने सपा का साथ छोड़ दिया था और शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा ज्वाइन कर ली थी। तब उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रसपा से इस्तीफा दे दिया। प्रसपा के बाद रघुराज शाक्य बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में इटावा सदर से टिकट की दावेदारी पेश की थी, लेकिन अब डिंपल यादव के खिलाफ जातिगत आंकड़ों को साधने के लिए बीजेपी ने मैनपुरी सीट पर रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि मैनपुरी में यादव के करीब 4.25 लाख वोटर हैं, जबकि शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है और इस सीट पर सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर उम्मीदवार 17 नवंबर तक नॉमिनेशन कर सकते हैं और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 21 नवंबर को नामांकन की वापसी होगी। यहां 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर की होगी। और देखने वाली बात ये होगी कि इस सीट पर किसकी जीत होगी और किसकी हार। रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।